दोस्तों आज की डेट में 21-22 हज़ार के आसपास की रेंज में ये दोनों फ़ोन बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। एक तो है रियलमी नार्जो 60 प्रो और दूसरा है लावा अग्नि 2। अब काफ़ी टाइम मैं ये फ़ोन टेस्ट कर चुका हूँ, तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मुझे इनमें से कौन सा फ़ोन कैसे लगा, किसके क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। एक एक करके हम सभी मेजर पॉइंट्स की बात करेंगे। पहला पॉइंट है इनकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी। अब डिज़ाइन ये आप देख रहे हैं दोनों का बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है, मतलब वैसे यूनिक नहीं है लेकिन इन एंड फील्ड में दोनों बिल्कुल यूनिक है। एक आता है ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ, दूसरा आता है वेगन लेदर के साथ। अब देखो दोनों वैसे तो प्रीमियम लगते हैं यूज़ करने में, कवर आपने दोनों में चढ़ा लेना है तो आपको कोई फर्क पता लगेगा ही नहीं। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, ग्लास ये मस्त दे रखा है, इस पर प्रीमियम वाला ग्लास है जैसा मिलता ना मैं फ्लैगशिप फोन में, उस लेवल की बिल्ड क्वालिटी लावा अग्नि 2 में मिल रही है। और वहीं पर वेगन लेदर भी यहाँ पर बहुत प्रीमियम लग रहा है, बस यहाँ पर एक चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ खाते पीते अगर आप फोन को हाथ लगाते हैं तो फोन आपको थोड़ा क्लीन करते रहना पड़ेगा। हाँ एक बात है, ऑन पेपर तो सेम है दोनों फ़ोन ये 11 प्रो और नार्जो 60 प्रो, लेकिन जब आप इनको हाथ में लोगे ना तो लेदर मुझे बहुत ही प्रीमियम लग रहा था रियलमी 11 प्रो का या प्रो प्लस का। इसमें जो लेदर दे रखा है, हालांकि फील तो लेदर वाली आ जाएगी आपको, बट वो थोड़ा रफ सा लेदर है, उतना सॉफ्ट नहीं है जितना कि उन फ़ोन का था। अगर आपको 500 रुपये बढ़ाकर वो मिलता है ना 11 प्रो, तो वो ज़्यादा सुपीरियर ऑप्शन रहेगा डिज़ाइन और बिल्ड के मामले में, तो ये बात तो क्लियर है। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ ना, जो कि है कर्व, यहाँ पर आपको बैक पे फ्रंट पे दोनों पे इन दोनों फ़ोन में कर्व मिल रहा है, जिसकी वजह से फ़ोन यूज़ करने में बहुत कम्फर्टेबल भी लगते हैं। आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करो, बातें करो फ़ोन पे या कंटेंट देखो, आपको ऐसा डिसकंफर्ट फील नहीं होगा। बाकी अगर आप फ्रंट से देखोगे ना, दोनों आते हैं एमोलेड पैनल के साथ और दोनों में कर्व डिस्प्ले है। लावा में थोड़ा ज़्यादा कर्व है ये आपको दिखने में लग रहा होगा, बिल्कुल ये फ्लैगशिप लेवल का कर्व दे रखा है। वहीं पर रियलमी नार्जो 60 प्रो में कर्व थोड़ा सा कम है। जो रियलमी 11 प्रो है ना, सेम वैसा कर्व है और वैसा ही ये फ़ोन है, कुछ फ़र्क नहीं है इन दोनों स्मार्टफोन्स में। अब वही है, अगर ज़्यादा कर्व होगा उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि एक्सीडेंटल टच थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे में, जो कि थोड़े कम मिलते हैं हमें रियलमी नार्जो 60 प्रो में। हाँ कवर लगा लोगे आप तो दोनों में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जब आप ऑनलाइन कंटेंट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि थोड़े कलर यहाँ पर बूस्ट हो रहे हैं लावा अग्नि 2 के। हालांकि पहले से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, यहाँ पर हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, अपडेट यहाँ पर आए हैं, डिस्प्ले को भी थोड़ा इंप्रूव किया गया है, बट अभी भी अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ ना, आपको फील हो जाएगा देखो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में तो लावा को और काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बूस्टेड कलर्स हैं। दोनों में मिलता है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और ये दोनों मस्त काम कर रहा है, स्मूथ है, स्टेबल है। प्रोसेसर यहाँ पर दोनों का सेम है, डेमेंसिटी 7050, तो ये 120 हर्ट्ज़ को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बेस मॉडल लेते हैं लावा अग्नि 2 का, यहाँ पर आपको बेस मॉडल में मिल जाएगी 256 GB की स्टोरेज, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आपको ये फ़ोन ना आप लगा लो सेल में 20,000 का आराम से मिल जाएगा। वहीं पर रियलमी नार्जो 60 प्रो में आपको मिलती है 128 GB स्टोरेज, 256 GB के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि यहाँ पर 1 TB का वेरिएंट भी मिल रहा है आपको, वो भी अंडर 30,000 की रेंज में, ये एक चीज़ है। बाकी डे टू डे यूज़ में दोनों में आपको कोई टेंशन नहीं है, दोनों की परफॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लगी है। गेमिंग भी आप यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं, इस प्राइस के हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी लगी है मुझे कोई ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा कोई चेंज नहीं लगा इनकी परफॉर्मेंस में। नहीं तो कई बार होता है कस्टम UI उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, प्रोसेसर जितना भी अच्छा हो ना उसको निचोड़ नहीं पाता, लेकिन ऐसे डिफरेंस नहीं आया। लेकिन हाँ UI में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर है क्लोज टू स्ट्रोक एंड्रॉयड, बिल्कुल लाइट है, बग्स थोड़े बहुत यहाँ भी थे जिनको थोड़ा इंप्रूव किया गया है। और अच्छी बात मुझे ये लगी है, हमने यहाँ पर बताया कि बग्स हैं, चीज़ें यहाँ पर ब्रांड तक पहुँची, उन्होंने उसको एक्शन लिया, अपडेट दिया उसमें। रियलमी में बात करता हूँ ना, अच्छी बात मुझे ये लगी है, रियलमी ने हमारी सुनी है और एड्स को, मतलब मुझे यहाँ पर कोई एड्स देखने को नहीं मिल रही है नार्जो 60 प्रो में। हमें रियलमी 11 प्रो में भी अपडेट आ चुका है इस चीज़ का, वहाँ भी अब एड्स वगैरह सब हट चुकी हैं, ये प्लस पॉइंट है। रोड पर आपको मिलते हैं, ऐप मार्केटिंग की अपनी मिल जाएगी आपको, साथ में फालतू की ये ऐप भी आपको दे रखी है, होट ऐप बोर्ड गेम्स का सेक्शन मिल जाए, इनको आप डिसेबल कर सकते हैं आराम से। लेकिन इनकी तरफ से जो फालतू बैन ऐप की रिकमेंडेशन आती थी ना, वो अब ख़त्म कर दी गई हैं फिलहाल तो। इसके अलावा लावा हम देखते हैं तो यार बहुत ही क्लीन है, बहुत ही स्मूथ है, कुछ फालतू की एड्स का पंगा नहीं है, ब्रोटर का पंगा आपको नहीं मिलेगा फिलहाल। देखो जितने पॉइंट्स मैंने कवर कर रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है कि जो आपके लिए डील ब्रेकर बने दोनों फ़ोन में। दोस्तों बताना मुझे कमेंट्स में, अगर आपको कोई कर्व फोन लेना है अंडर 20,000 की रेंज में, तो 25,000 की कम की रेंज में कौन सा कर्व फोन आप लेना पसंद करेंगे। और कमेंट करके सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा।
हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं ऐसे चेंज के बारे में जो कि आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है, वो है इन स्मार्टफोन्स का कैमरा। कैमरा कैसी चीज़ है जो आप बिना चेक किए बिना टेस्ट किए जज नहीं कर सकते किसका कैमरा कैसा होगा। चाहे ऑन पेपर कितना बड़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग मिल जाएं, लेकिन असली पिक्चर निकल के आती है जब हम सामने सैंपल देखते हैं। कैमरा स्पेक्स क्या है ये मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, हम आगे सैंपल देखते हैं इन स्मार्टफोन्स के। देखो यार सीधी बात है, दोनों का कैमरा उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। ये जैसे कि आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की इमेजेस कैप्चर करना पसंद करते हैं तब आपको डिटेल्स तो दोनों में अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन कलर्स यहाँ पर थोड़े डिफरेंस आए हैं। लावा की पिक्चर थोड़ी मतलब कलर कम है उसमें, और नार्जो में कलर थोड़े बूस्टेड हैं, पहले उल्टा था। पता नहीं अब थोड़ा अपडेट के बाद चीज़ें थोड़ी बदली हैं लावा में। एक अलग सा टिंट दिख रहा है मुझे पिक्चर्स के ऊपर लावा की, इस तरह की इमेजेस में थोड़ा ग्रीनिश कर रही है पिक्चर को, और रियलमी में थोड़ा सा रेडिश टिंट देखने को मिल रहा है, रेडिश कलर जैसे अलग से ऊपर कोई लेयर लगी हुई है। लेकिन जब हम कोई ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो कैप्चर करते हैं तब कलर साइंस अलग तरीके से काम करती है। यहाँ पर इन दोनों इमेजेस में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो रियलमी की इमेज है वो उतनी अच्छी नहीं आई है, थोड़ा डल सी इमेज लग रही है। लावा की इमेज थोड़ी मुझे यहाँ पर बेटर लग रही है इसमें। और जब हम पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करते हैं तो दिखने में चाहे आपको रियलमी की इमेज से लावा की ज़्यादा बेटर लग रही होगी, लेकिन लावा में पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करने के टाइम पे कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है। कभी कैसा परफॉर्म करता है कभी कैसा करता है। इस पिक्चर ने लावा ने इस शॉट को ख़त्म ही कर दिया, अलग से ऐसे लग रहा है कोई अलग से ऊपर लेयर लग गई है। और सेम अगर मैं एक और पिक्चर दिखाऊं, यहाँ लावा ने देखो कैसा परफॉर्म किया था। रियलमी में क्या है, कम से कम ऐसा तो है जैसी भी पिक्चर आ रही है हर बार आपको उस टाइप का रिजल्ट मिल जाएगा। लाइटिंग कंडीशन जहाँ थोड़ी गड़बड़ है ना, वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है रियलमी को भी पीछे की लाइट को कंट्रोल करने में। जैसे कि ये मैंने आपको इमेज दिखाई थी, इसने आसमान को आर्टिफिशियल सा बना दिया रियलमी ने, लावा ने थोड़ा इस चीज़ को मैनेज रखा हुआ है। अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ तो स्टेबलाइजेशन मुझे बेटर लगी है नार्जो 60 प्रो की। लावा में तो पूरी दुनिया हिल चुकी है, और फ्रंट कैमरा का सैंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मुझे रियलमी थोड़ा बेटर लगा। लावा ने पिक्चर पे वाइट वाइट सा कर दिया पिक्चर को, और फ्रंट कैमरा से जब वीडियो कैप्चर करते हैं तब भी EIS रियलमी का ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। पिक्चर में स्टेबलाइजेशन वगैरह ज़्यादा बेटर मिल रही है, और कलर कंट्रास्ट भी थोड़ा बेटर लगा मुझे रियलमी नार्जो 50 प्रो। तो अगर मैं ओवरऑल एक कैमरा इसमें से चूज़ करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर रियलमी का कैमरा एक कदम आगे लगा। माइनर डिफरेंस है लेकिन रियलमी में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं स्पीकर्स की बात करता हूँ तो लावा में आपको मिल जाएगा सिंगल स्पीकर, और नार्जो 50 प्रो में स्टीरियो स्पीकर। स्पीकर की क्वालिटी मैं आपको सुनाता हूँ अभी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक तेनू दिल वाली गल दस बन रखे आनी तेरा नेम सोनी है मैं चन रखे आनी तेरा मैं चन रखे यहाँ। तो दोस्तों मुझे नार्जो 60 प्रो का स्पीकर बहुत बढ़िया लगा, स्टीरियो है तो इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी लाउड है क्लियर है, बट स्टीरियो वाली बात नहीं आती है फिर सिंगल में। बैटरी की बात करते हैं तो 4700 mAh की बैटरी है लावा अग्नि 2 में, 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है। साथ में रियलमी नार्जो 60 प्रो में है 5000 mAh की बैटरी, और यहाँ पर आपको चार्जिंग मिल जाती है 67 वोल्ट की। देखो यार दोनों में बैटरी बैकअप कमाल काम है, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रियलमी UI है जो बैटरी थोड़ी ज़्यादा लेता है, तो 5000 mAh भी उतना परफॉर्म करेगी, और यहाँ भी उतना ही मिलता है। आप ये लगा लो 1 से 1.5 दिन का बैकअप यहाँ पर आपको आराम से मिल सकता है, कोई टेंशन मत लेना। चार्जिंग दोनों की फास्ट है, पता नहीं लगेगा कब आपके फोन 0 से 100% चार्ज हो गए, तो यहाँ पर सब चीज़ें सोटीन है। हैप्टिक फीडबैक तो मुझे यार कमाल का लावा का लगा है, बिल्कुल यार फ्लैगशिप वाला फीडबैक यहाँ पर आपको मिलता है, आपको बिल्कुल टक-टक वाला यहाँ पर हैप्टिक दे रखा है। नार्जो का भी इस टाइप का है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लावा का। और फिंगरप्रिंट स्कैनर फास्ट है, स्टेबल है, दोनों का डिस्प्ले के अंदर है। तो ये है कंप्लीट पैकेज इन दोनों स्मार्टफोन का, और मुझे लगता है ये दोनों फ़ोन इस टाइम पे बहुत सॉलिड फ़ोन है अपने अपने प्राइस पे अगर हम देखते हैं तो। बाकी मैंने सब प्लस माइनस बता दिए हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए इनमें से कौन सा फ़ोन परफेक्ट रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।